गुड मॉर्निंग नर्सरी किड्स, वेलकम टू योर टुडे सेशन किड्स इन हिंदी। टुडे वी विल डू लेटर आई विद फोर डॉट्स। सो स्टार्ट विद द डेट 28/1/2021, देन यू विल राइट क्लास वर्क एंड राइट द हेडिंग अक्षर आई आई सी एनक। किड्स, नाउ वी विल राइट द लेटर आई विद फोर डॉट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर स्लैंटिंग लाइन, इसके बाद कर्व बनाएंगे और फिर स्लीपिंग लाइन, इसके बाद आई की मात्रा बनाएंगे। इस तरह से बच्चों अब आपको भी अक्षर आई को बनाने का अभ्यास करना है। एक बार फिर से स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन, इसके बाद आई की मात्रा बनाएंगे। एक बार फिर से, सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर स्लैंटिंग लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन, इसके बाद आई की मात्रा बनाएंगे। एक बार फिर से अक्षर आई बनाने का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर स्लैंटिंग लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन, इसके बाद आई की मात्रा बनाएंगे। इस तरह से बच्चों अब आपको भी साफ और सुंदर राइटिंग में अक्षर आई बनाने का अभ्यास करना है अपनी हिंदी की नोटबुक में। ओके किड्स, थैंक यू। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर इंग्लिश सेशन। किड्स इन इंग्लिश, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेटर जे। ओके, सो स्टार्ट विद द डेट 28/1/2021, देन यू विल राइट क्लास वर्क एंड राइट द हेडिंग लेटर जे, जे फॉर जग। किड्स, नाउ वी विल ट्रेस द लेटर जे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन एंड ट्रेस अ स्टैंडिंग लाइन टू द थर्ड लाइन, देन वी विल ट्रेस अ कर्व, आफ्टर दिस वी विल ट्रेस अ स्लीपिंग लाइन लाइक दिस। Once again, start from the first line and trace a standing line to the third line. Then we will trace a curve. After this, we will trace a slipping line. Once again, start from the first line and trace a standing line to the third line. Then we will trace a curve. After this, we will trace a slipping line. Once again, start from the first line and trace a standing line to the third line. Then we will trace a curve. After this, we will trace a slipping line. Like this. So kids, now we have the letter J, J for jug. Kids, in this way you have to complete letter J in your English notebook. This is your today's work, so do it well. Okay kids, thank you, bye bye.